बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल गांव के तरीके से, जैसे गांव में लोग चावल बनाते हैं, आलू मटरों वाले चावल। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इससे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करती हूँ। 1 किलो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 1/2 किलो मैंने आलू पानी में इस तरह कटिंग करके मैंने आलू में डिप करके रखे हुए हैं, 1/2 किलो मुझे मटर चाहिए, 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह कटिंग कर ली है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज का टमाटर, 1 टेबलस्पून जीरा और 2 मैंने दालचीनी की ये ले ली है, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा धनिया और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें ये गार्निश के लिए। ठीक है, हम रेसिपी की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं। एक कप हमें इसमें ऑयल चाहिए। ऑयल गर्म हो गया है, हमें प्याज हम इसमें ऐड करते हैं। फ्राई करेंगे ताकि ब्राउन कलर आ जाए। चलिए ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, इसमें ब्राउन कलर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे, फ्लेम को हल्का करते हैं ताकि दूसरा प्याज भी ना जल जाए। इसने इसको हल्का किया, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए अदरक, चलिए अब इसमें हम अदरक ऐड करते हैं। अब इसमें टमाटर डालेंगे, अब इसमें मटर शामिल करते हैं,
मिर्च, पांच मिनट तक हम इसे अच्छे से मसाले में भुनेंगे। अब इसमें आलू शामिल करेंगे हम लोग। इसमें आलू शामिल किए, चले अब इसमें क्या करेंगे, हमने हाफ लीटर पानी डाल देना है, ठीक है। और इससे 10 मिनट तक हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से हमारे आलू और मटर गल जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। अब हम चेक करेंगे मटर हो गए, आलू भी हो गए हमारे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें पानी शामिल करते हैं साथ में, ठीक है। पानी हमने शामिल कर लिया। चलिए पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। सिर्फ इतना मेरा चमचा मैंने बिल्कुल इतना रखा है, और सिर्फ ऊपर तक पानी आया है, इससे ज्यादा नहीं पानी डाला, ठीक है। हमने शामिल कर दिया। अब इसे हम ढक कर रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि पानी खुश्क हो जाए। चले देखते हैं हम, पानी खुश्क हो गया है अच्छे से। अब क्या करेंगे हम इसे साइड पे करते हैं। तवा गरम हो गया है, अब हम पतीला इसके ऊपर रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करेंगे। अब हमें गार्निश के लिए चाहिए धनिया, प्याज, जो तली हुई प्याज थी वो हम इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्चें, और रुमाल में हम, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ हर बार, रुमाल में हम इसके ढक्कन को अच्छे से कवर करके इसको हम दबा के अब 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा रहने देंगे। चलिए 10-15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हम फ्लेम को बंद किया। अब इसको चेक करते हैं, अच्छा कलर आया है। ये देखिए, चलो अब हम इसमें डालते हैं। आलू मटरों वाले हमारे चावल रेडी हो गए, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है, खिले खिले से हैं। जितना मैंने आपको बताया है बस आप उतनी मिकदार में चीज़ें डालो, और मज़ेदार आलू मटरों वाला चावल आप लोग इंजॉय करो।
अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।